नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे को धमकी मामले की जांच एसआईटी करेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले से है कनेक्शन। जी हां, बहुत बड़ी खबर। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना के बाद शुरू हुए विवाद में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे का नाम भी उछाला गया है। अब आदित्य ठाकरे को धमकाने के आरोप में सुशांत के एक फैन को गिरफ्तार किया गया है। विधानसभा में गुरुवार को राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने आदित्य ठाकरे को धमकी से जुड़े मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की घोषणा की है। इसी बीच एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिस पर आदित्य ठाकरे को धमकी देने का आरोप है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और शिवसेना विधायक सुनील प्रभु के मुताबिक आरोपी कर्नाटक का है, इसलिए बड़ी साजिश का शक है। नवाब मलिक ने कहा, आदित्य ठाकरे को धमकी देने वाला कर्नाटक से पकड़ा गया है। उसकी जांच से पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के समय भी वो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना को भले ही एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी किसी न किसी कारण से यह मामला चर्चा में आ ही जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना को लेकर जिस तरह की राजनीति हुई है, बिहार की पुलिस मुंबई में आई थी, सोशल मीडिया पर भी यह मसला खूब छाया रहा। शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु ने कहा, गौरी लंकेश से लेकर कलबुर्गी, महाराष्ट्र के गोविंद पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर के साथ हुई घटना के तार भी कर्नाटक से जुड़े हैं, इसलिए इसमें बड़ी साजिश का शक है और इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने बीजेपी ने आदित्य ठाकरे को मिली धमकी की जांच को तो समर्थन किया, लेकिन मामले को जानबूझकर राजनीतिक रंग देने का भी आरोप लगाया है। तो इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे की लगातार परेशानी बढ़ रही है और उनको धमकियां भी मिल रही हैं और इसी वजह से अब एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।